नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज के ताजा मौसम समाचार में। मौसम को लेकर अभी अभी एक ताजा रिपोर्ट निकल कर आ रही कि यूपी वेदर फोरकास्ट, उत्तर प्रदेश में 48 घंटे में फिर करवट लेगा मौसम, छाएंगे बादल। 40 से ज्यादा जिलों में अब फिर आंधी बारिश के साथ बिजली गिरने को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, रहे सावधान। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से जिले हैं जिनमें अब फिर अगले 48 घंटे लगातार बिजली बारिश और तेज तूफान को लेकर चेतावनी जारी की है। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें अगले 48 घंटों में एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव आने वाला है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। वहीं आपको बता दें अगले 3 दिनों तक ऐसे ही मौसम खराब रहेगा, लेकिन तापमान में उतार चढ़ाव के चलते ठंड का असर बरकरार रहेगा। 3-4 दिनों तक लगातार ऐसे ही बारिश का दौर चलता रहेगा। आसमान में लगातार काले घने बादल छाए रहेंगे और अधिकतम व न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने लगेगी। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो तेज हवाओं की वजह से दिन व रात के पारे में 2 डिग्री तक कमी दर्ज की गई। मेरठ में 5.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान तो 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान ज्यादातर इलाकों में दर्ज किया गया। वहीं विभिन्न इलाकों में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकतम तापमान भी दर्ज किया गया है। इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर भारत में ठंड से थोड़ी राहत मिलना शुरू हुई, लेकिन अब आपको बता दें उत्तर प्रदेश में चल रही बर्फीली हवाओं से वहां का मौसम सर्द बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम विक्षोभ के असर से अब उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज फिर बदलेगा, जिसके कारण राज्य के कई जिलों में अब लगातार बदली बारिश का दौर चलता रहेगा। वहीं हवाओं की रफ्तार भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसी के साथ कहीं कहीं बिजली गिरने को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश में दिन में तेज धूप निकल रही है और रात में ज्यादा ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से बुखार के रोगी बढ़ रहे हैं। मौसम विभाग ने अब 3 दिनों के बीच यूपी के करीब 40 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जिनमें लगातार बिजली बारिश और आंधी तूफान को लेकर चेतावनी जारी की है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूरे एक हफ्ते से मौसम साफ है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टरबेंस के प्रभाव के कारण लखनऊ में अब फिर बारिश देखने को मिल सकती है। आईएमडी के मुताबिक इस पूरे हफ्ते लखनऊ का न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं अधिकतम तापमान यहाँ 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। वहीं अब यूपी मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों के बीच पश्चिमी और पूर्वी यूपी में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र का मौसम अधिक ठंडा रहेगा। वहीं हाथरस, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर का तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगले 3 दिनों तक इन क्षेत्रों में धुंध का असर भी हल्का देखने को मिल सकता है। वीडियो के अंत में आपको बताते चले कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने अब लगातार 3 दिनों तक दिल्ली में भी खराब मौसम रहने को लेकर चेतावनी जारी की है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहां मौसम से जुड़ी ताजातरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल LHTV इंडिया को सब्सक्राइब करें।